सच है तो दिखेगा। नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं राजदा। रांची पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए अंतरराज्यीय शराब माफिया सहित 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस एक ट्रक शराब बरामदगी के मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि माफिया को कई राज्यों की पुलिस को भी तलाशी, लगातार इन शराब माफियाओं की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली है, गिरफ्तार लोगों से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। वांछित माफिया चढ़ा पुलिस के हत्थे। तो ये बड़ी खबर राजधानी रांची से। पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 4 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। रांची पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रक में शराब से भरा हुआ ये ट्रक जब्त किया है। 4 शराब माफियाओं को गिरफ्तार भी किया है पुलिस ने। लगातार उनसे पूछताछ भी जारी है। जो मुख्य सरगना है उसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। तो ये बड़ी कामयाबी रांची पुलिस को मिली है। रांची पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शराब से भरा हुआ यह ट्रक जब्त किया है। और इतना ही नहीं, 4 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। अब लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर इसका कनेक्शन कहां कहां से है, और पुलिस के पास कई ऐसी जानकारियां भी मिल सकती है पूछताछ के दौरान कि ये कनेक्शन कहां कहां से जुड़े हुए हैं। शराब माफिया लगातार शराब का कारोबार कर रहे हैं और ये 4 तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी इमरान, हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए। इमरान, रांची पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। ट्रक शराब से भरा हुआ था जिसे पुलिस ने जब्त किया है और 4 तस्करों की भी गिरफ्तारी हुई है। देखिए, कल दिन भर जो है रांची पुलिस वैसे गिरोह के पीछे तलाश कर रही थी, जो कि पंजाब का शराब तस्कर सरगना जो है वो रांची में अलग अलग जगहों पर शराब की तस्करी करने के लिए भारी मात्रा में जो शराब के अवैध खेप है वो रांची में मौजूद था। पहले जब पुलिस ने छापेमारी की रिंग रोड NH पर, तो एक ट्रक से तकरीबन 1 ट्रक जो शराब है उसे जब्त किया गया है, विदेशी शराब है सभी, उसे जब्त करते हुए जब उनसे ट्रक में मौजूद व्यक्तियों से पूछताछ की गई, सरगना खुद पुलिस के हत्थे चढ़ गया, उनसे जब पूछताछ की गई तो पता चला कि एक अन्य जो लोकेशन है जो कि खेलगांव थाना क्षेत्र के लालगंज में यह लोकेशन मौजूद है, उस जगह पर भी जब छापेमारी पुलिस ने की तो पुलिस के होश उड़ गए, क्योंकि एक कमरे में जहां लगभग उतने ही शराब, मतलब अन्य एक ट्रक जो शराब है वो उसके एक कमरे में मौजूद था, एक हॉल पे मौजूद था, जब वहीं दूसरी तरफ कहें अगर हम तो लाखों शराब की बोतलें जो कि जिनको पैकिंग की जानी थी, रीपैकिंग की जानी थी, एक तरह से कहा शराब की जो फैक्ट्री है उसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा था। अब बृहद पैमाने पर शराब की जो पैकिंग और बनाने का काम जो चल रहा था उसे देखते हुए पुलिस ने घेराबंदी की, आज फिर छापेमारी की, यहाँ से एक व्यक्ति को पकड़ा है, उनसे पूछताछ देर रात तक की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम कहें तो जिस तरह से इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई, तो यहाँ शराब फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ, भारी मात्रा में अवैध शराब यहाँ से भी बरामद किए गए, शराब बनाने के बोतलें तो साफ करने की फैक्ट्री सहित अनेक कई चीजें जो शराब के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं इन सारी चीजों को बरामद किया गया। तो एक बड़ा उद्भेदन है रांची पुलिस के लिए अवैध शराब को लेकर के, जिस तरह से एक ट्रक में पहले पकड़ाया गया उसके बाद गोडाउन से पकड़े गए हैं। तो फिलहाल पुलिस जो है देर रात तक पूरे मामले पर छापेमारी कर रही थी, तो उम्मीद है कि कई अन्य लोगों की गिरफ्तारी अब तक इस पूरे मामले में हो पाई होगी, क्योंकि जो बोतलें बरामद किए गए थे शराब की और अन्य चीजों की
एक दो तरह की चीजें जो थी उस कैंपस में मौजूद थे। एक सॉफ्ट ड्रिंक के एजेंसी लेकर के थे ताकि जब जब शराब की बोतलें यहां पर उतारी जाए या शराब उतारी जाए तो लोगों को शक ना हो, लगे कि सॉफ्ट ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक के एजेंसी है जिनके जहां पर कोल्ड ड्रिंक को अनलोड किया जा रहा है। लेकिन अंदर में खेल कुछ और चल रहा था, चूंकि वैध विदेशी शराब जो है और जब्त किए गए थे कमरे में उसे रखा गया था। इन सारी चीजों पर पुलिस की पैनी नजर है और जो एजेंसी के संचालक है उनसे पूछताछ की जा रही है, कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। उम्मीद है कि इस पूरे मामले में एक बड़ा रैकेट का खुलासा भी सामने आएगा, क्योंकि सरगना पंजाब का रहने वाला सरगना पुलिस के हाथ से चढ़ चुका है। तो ऐसे में उसी के निशानदेही पर पहले एक ट्रक और उसके फिर पूछताछ के आधार पर खेलगांव थाना क्षेत्र से अवैध शराब बरामद की गई है। तो एक बड़े नेटवर्क को ध्वस्त करने में रांची पुलिस ने सफलता हासिल की है, जहां जो दो ट्रक जो शराब है ये जो बरामद की ही गई है, साथ ही भारी मात्रा में शराब बनाने की बोतलें और शराब बनाने की जो सामान है इन सारी चीजों को भी बरामद किया गया है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये काफी पहले से ये गोरख धंधा चल रहा होगा इमरान, सॉफ्ट ड्रिंक और कबाड़ी दुकान की लाइसेंस लेकर उसकी आड़ में शराब का ये अवैध कारोबार किया जा रहा था, नकली शराब बनाई जा रही थी। जाहिर तौर पर कई कनेक्शन इससे जुड़े होंगे, अंतर्राज्य कनेक्शन जुड़ने की भी बातें सामने आ रही है इमरान। इमरान सुन पा रहे हैं? तो आपको बताएं कि गिरफ्तार लोगों से लगातार पूछताछ कर रही है पुलिस, और ये बड़ी कामयाबी रांची पुलिस को उस वक्त मिली जब शराब से भरा हुआ ट्रक जब्त किया रिंग रोड के पास, चार शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया, और जब पूछताछ में खुलासा हुआ वो वाकई में चौंकाने वाला कि कैसे पंजाब के तस्करों से संपर्क कर नकली शराब का कारोबार चल रहा था, और वो भी सॉफ्ट ड्रिंक और कबाड़ी दुकान के लाइसेंस की आड़ में यह अवैध नकली शराब फैक्ट्री का कारोबार किया जा रहा था। और सीधा जुड़ेंगे, सहयोगी अंजनी हमारे साथ मौजूद है। अंजनी, ये बड़ा भंडाफोड़ हुआ है, नकली शराब फैक्ट्री में शराब बनाई जा रही थी, पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है, चार तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देखिए राजदा, यदि पिछले दो तीन साल का आंकड़ा आप देखेंगे तो झारखंड की राजधानी रांची में कई इलाकों में जो है नकली शराब, अवैध शराब का धंधा करने वाले लोगों पे जो है पुलिस प्रशासन या उत्पाद विभाग जो है कई बार नकेल कसा है, और कहीं ना कहीं अंतर्राज्यीय गिरोह भी इसमें शामिल होता है। आपको याद होगा नामकुम इलाके में सबसे ज़्यादा जो नकली और अवैध शराब का जो कारोबार होता है, आपको नामकुम का इलाका हो, खेलगांव का इलाका हो, कांके का इलाका हो, और ग्रामीण इलाकों से एक बड़ा कनेक्शन होता है। और यही वजह है कि कल जब पुलिस को, उत्पाद विभाग को एक बड़ी जब कामयाबी मिली है तो परत दर परत जो है तमाम चीज़ें खुलने लगी कि कैसे नकली शराब बनाया जाता है, कैसे बाहर से शराब लाया जाता है। और झारखंड की राजधानी रांची के रास्ते जो है वैसे राज्यों में भेजा जाता है जैसे बिहार हो और अगल बगल के जो पड़ोसी राज्य हैं। तो एक बड़ी सफलता प्रशासन, पुलिस प्रशासन, उत्पाद विभाग को मिली है। तो हमें लगता है कि ऐसे लोगों पे नकेल कसना चाहिए। और होता ये है राजदा कि यही नकली शराब पीने के बाद कई लोगों की मौत हो जाती है, जो कि आज से तीन साल पहले कोरोना संक्रमण से पहले आप तमाम लोगों को याद होगा नामकुम इलाके से नकली जो शराब की सप्लाई की गई थी जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी। तो एक मतलब उस मौत का कारण नहीं बताया गया था कि नकली शराब है। तो ये प्रशासन अब पूरी तरह से पैनी नजर रख रही है और ऐसे लोगों पे नकेल कसना चाहिए। देखिए नकली शराब की बिक्री जो है अवैध तरीके से होती है और उससे राज्य सरकार को जो है राजस्व का भी नुकसान होता है। भले अभी जो शराब सरकार बेच रही है लेकिन इस तरह से अवैध शराब, नकली शराब बेचने वाले जो हैं, कई ऐसे रेस्टोरेंट होते हैं हाईवे में हो या शहर के ऐसे इलाके में रेस्टोरेंट है जो अवैध तरीके से चल रहा है, तो वैसे स्थानों में ऐसी शराबों की खेप जो है पहुँचाई जाती है। और यही वजह है कि कल आप देखेंगे कि एक ट्रक शराब जो है
पकड़ी भी गई है। आप कोटरमा को ले लें तो कोटरमा के कोटरमा हजारीबाग में भी इस तरह की कई जो घटनाएं घटी हैं जिसे पुलिस ने पकड़ा है। तो झारखंड को ऐसे लोग जो है एक बड़ा सेंटर बना रहे हैं, लेकिन लगातार जो है छापेमारी से ऐसे लोगों पे नकेल कसी जाती है और उसके बाद कई तार जो है जुड़ते हैं। आप देखेंगे तो इसमें जिस तरह से खबरें भी ये भी आ रही हैं कि पंजाब से भी कनेक्शन है, तो आप समझिए कि शराब का व्यापार करने वाले कितने यहाँ से, पंजाब काफी दूर है, तो ये पूरी तरह से आप देखेंगे कि एक बड़ा गैंग है और इस बड़े गैंग में कई चेहरे ऐसे हैं जो अभी पर्दे के पीछे हैं। तो हमें लगता है कि प्रशासन और उत्पाद विभाग ऐसे लोगों पे जल्दी पहुंचेगी, नकेल कसेगी, और हमें लगता है कि जो अवैध शराब का कारोबार चल रहा है, नकली शराब की जो खेप आ रही है, ऐसे तमाम चीजों पे प्रशासन की तरफ से नकेल जरूर कसा जाएगा। राजदा बिल्कुल अंजनी, और कैसे कैसे हथकंडे ये शराब माफिया अपनाते हैं, कबाड़ी दुकान और कोल्ड ड्रिंक के दुकान के नाम पर लाइसेंस ली जाती है और उसकी आड़ में अवैध शराब का कारोबार चल रहा था, तो ऐसे ऐसे हथकंडे ये अपनाते हैं ताकि ये गोरख धंधा चलाया जा सके। लेकिन ये पुलिस की बड़ी कामयाबी है कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन्हें धर दबोचा है। बंगाल पंजाब से भी इनके कनेक्शन सामने आ रहे हैं। हाँ देखिए, इस तरह का जो मतलब अवैध व्यापार जो लोग करते हैं शराब का और नकली शराब का जो व्यापार करते हैं, वैसे लोगों का कनेक्शन किसी एक स्टेट से नहीं होता है, क्योंकि जैसे झारखंड पहुंचेंगे तो बंगाल बगल में है, आराम से बंगाल पहुंचा जा सकता है, बिहार पहुंचा जा सकता है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, तो ऐसे लोगों का एक बड़ा नेक्सस होता है राजा, और यही वजह है कि पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली, उसके बाद तमाम चीजें खुली हैं। तो हमें लगता है कि देखिए, इस अवैध शराब के कारोबार को रोकने के लिए सरकार को एक जो अगल बगल के जो पड़ोसी राज्य हैं, एक बड़ा नेटवर्क प्रशासन को बनाना चाहिए, जो अंतर्राज्यीय कनेक्शन तमाम जो पुलिस महकमा हो, उत्पाद विभाग, जो अगल बगल के जो राज्य है, उनसे कनेक्शन बनाते हुए ऐसी चीज़ों पे नकेल कसना चाहिए। और ये कहानी सिर्फ झारखंड की नहीं है, ऐसी कहानी देखिए बिहार में शराब बंद है, लेकिन आपको वहाँ भी जो है किस तरह से लगातार जो खबरें आती है कि शराब पकड़ी जाती है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के एक बड़ा ग्रुप काम करता है। तो ऐसे ग्रुप में छोटे मोटे लोग नहीं होते हैं, बड़े लोग होते हैं, लाइसेंस ऐसी ऐसी चीजों के लेते हैं कि किसी को शक नहीं हो। अब कोई कबाड़ी का लाइसेंस लेकर के चलाएगा तो किसी को शक नहीं होगा, और यही वजह है कि गलत काम करने वाले, अवैध व्यापार करने वाले शराब का, ये लोग इसी तरह के हथकंडे अपनाते हैं। तो हमें लगता है कि ऐसे हथकंडों बाद जो है इनको, इन पे नकेल अब जो है प्रशासन उत्पाद विभाग जरूर कसेगी, और आने वाले समय में ऐसे लोगों पे डर और भय होना चाहिए। बिल्कुल, अमूमन होता ये है राजा कि इससे पहले भी कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई है, लेकिन ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी सजा जब तक नहीं होगी, हेवी फाइन नहीं होगा, तब तक ऐसे लोग सुधरेंगे नहीं और अपना काम करते रहते हैं। लेकिन रांची में आप देखेंगे, नामकुम का इलाका हो, खेलगांव का इलाका हो, ये एक बड़ा सेंटर है इस तरह का काम तो करने लगातार वाले पुलिस को इन जगहों पर छापेमारी और मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। अंजनी, जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी इन शराब माफियाओं पर, तब तक ये खेल जारी रहेगा, इसलिए बेहद जरूरी है कि इन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंजनी, तमाम जानकारियों के लिए। तो पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। सूचना प्राप्त हुई थी अवैध शराब व्यापार से संबंधित, उसी सूचना के आधार पे यहाँ पे रेड किया गया पुलिस के द्वारा, और जो कुछ यहाँ पे मिला है वो लगभग आप देख रहे हैं, कुछ पैक्ड शराब की बोतलें हैं और बहुत बड़े पैमाने पे खाली बॉटल्स हैं, कुछ वर्कशॉप टाइप की भी जगह देखने को मिल रही है जिसमें कि पुराने बॉटल्स को स्टरलाइज करके नया बॉटल बनाने की प्रक्रिया की जाती है। एक बड़े पैमाने पे चीजें मिली हैं, बारीकी से हम लोग उसको देख रहे हैं। इस प्रतिष्ठान के जो मालिक है उनसे सवाल जवाब किया जाएगा इसके संबंध में।
किस तरह का उनका लाइसेंस है नहीं है, किस तरह की बिजनेस इस लोकेशन से वो करते हैं, लेकिन प्राइमर पे से जो देखने से तुम चीजें समझ में आती है, ये सारी चीजें शायद इन्हें कहीं अवैध। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।